अच्छा ये तो थी मेरी फेवरेट मूवीज, अब ये बताओ अलीना कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी थी खूबसूरत और बीवी हो तो ऐसी। दोनों कॉमेडी थी। मंजू आई है। गुड मॉर्निंग प्रणाम आंटी जी। जीती रहो। मगर ऐसे कैसे आ गई? खत नहीं, खबर नहीं। मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? आपने तो हम सबको शॉक दिया है। अच्छा, आपको शॉक भी लगता है? खैर, बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। बहू, बहन को ऊपर ले जाओ। जी, मैं नाश्ता ऊपर ही भिजवा देती हूँ। क्या आपको पता है कि इनको 1981 में फिल्म खूबसूरत के लिए अवार्ड दिया गया था? जी हाँ, मुझे मालूम है। उसके बाद कब मिला था, आप बताइए मुझे। उसके बाद इन्हें मिला था खून भरी मांग के लिए, जो थी 1989 में। बिल्कुल सही। और उसके बाद 1997 में इन्हें एक मिला अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग रोल, और 2003 में इन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन उसके बाद भी ये आराम से नहीं बैठी, उसके बाद भी इन्होंने फिल्में करते रही। उन्होंने कहा स्टेज पे जाके, चाहे आप मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दीजिए, लेकिन मैं एक्टिंग करती रहूंगी। और अब 2010 में इन्हें फाइनली मिला पद्मश्री। तो इनकी थी पुरानी मूवीज, पर नई मूवीज कौन सी को थी? तुम्हें मालूम है कौन सी थी नई मूवीज इनकी? थी जैसे लज्जा, परिणीता, दिल है तुम्हारा, भूत, और भी कोई थी जो अभी इन्होंने रिसेंटली करी थी, क्रिश, और करी थी कोई मिल गया। लेकिन एक बात बोलूं मैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता पुरानी और नई मूवीज में। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि यार ये अभी भी ऐसी फिल्में कर रही हैं जहां पे इन्हें माँ दादी का रोल करना है, और कई ऐसी फिल्में भी कर रही हैं जहां पे ये कैबरे डांसर और यंग वुमेन का रोल अदा कर रही हैं, जैसे कि बच के रहना रे बाबा। जो भी मुझे देखे बोले हेलो फ्लावर, सभी को है मुझसे प्यार, बनना चाहे सब मेरे यार। आईफिल टावर, आईव गॉट पावर, जो भी मुझे देखे बोले हेलो फ्लावर।